हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान अगर आंदोलन के लिए तैयार हैं तो पुलिस भी अपनी तैयारी कर चुकी है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगने वाले हर बॉर्डर को सील कर दिया है, तो दिल्ली में भी 2500 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। इन दोनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर किसान दिल्ली पहुंचने में कामयाब हुए और सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो दिल्ली में क्या कुछ हो सकता है। आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन की चिंगारी कहीं देश भर में न भड़क जाए, इसीलिए सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। आंदोलन को रोकने के लिए हरियाणा में 100 से अधिक किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में 500 किसानों की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली न पहुंचे इसलिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि आंदोलन की धुरी पंजाब है, जहां के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, लेकिन रास्ता हरियाणा से होकर गुजरता है। इसीलिए खट्टर सरकार ने पंजाब से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के लिए रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी को भी आने जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। उसके अधिकार पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, इस प्रकार से आप आंदोलन करें और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से करें। और हमारे अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा से सटे दिल्ली के बॉर्डर पर भी पुलिस की चेकिंग बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है, ताकि छोटे छोटे समूहों में भी किसान दिल्ली न पहुंच सके। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने जो वज्र वाहन है, वाटर कैनन, उसको भी यहां पर डिप्लॉय किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक करीब 1000 किसान करनाल के आसपास रुके हुए हैं और ऐसी आशंका है कि वो आगे बढ़कर यहां दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बढ़ सकते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए ये पूरी की पूरी जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। करीब 8 कंपनी दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लगाए गए हैं, जिससे कि अगर किसान यहां पर पहुंचता है तो उनको रोका जा सके। इंतजाम हमने जो लगाए हैं वो एहतियाती तौर पे लगाए हैं। इसके अंदर ये है कि कोई इवेंचुअलिटी कई बार होता है कि किसी प्रदर्शन में कोई उपद्रवी भी आ जाते हैं, तो कोई इस तरह की हिंसक घटना ना हो उसको कंट्रोल करने के हिसाब से ये इंतजाम है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए अगले 2 दिनों के लिए 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। CRPF और RAF की 12 कंपनियां लगाई गई हैं। नई दिल्ली में पुलिस के 1200 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। CDMA की गाइडलाइंस के तहत अभी गैदरिंग कहीं अलाउड नहीं है, तो जितनी भी हमारे पास परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आई थी हमने उन सबको कैंसिल करके ऑर्गेनाइजर्स को कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी प्रोटेस्ट यहाँ अलाउड नहीं है। अगर फिर भी कोई हमारी रिक्वेस्ट या अपील मान के उसके बावजूद भी यहाँ पे आते हैं तो जो उनपे मुनासिब लीगल एक्शन बनता है वो हम लेंगे। किसान आंदोलन ने सर्दी में सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। BJP की चुनौती किसानों को समझाने की है, तो वहीं पंजाब की अमरिंदर सरकार किसानों के साथ खड़ी है।